गाइज वेलकम बैक टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो एक बड़ी खबर निकल के सामने आ रही जो कि लगातार वायरल हो रही है, वो ये कि आयोग को सूचना थी पटवारी पेपर लीक के मामले में। इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ट्विटर कैंपेन #postponeukpcsmains में अपना पार्टिसिपेशन दे सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड की सभी भर्तियाँ की जाँच हो, CBI जाँच हो, तो इसके लिए आपको जो है आगे आना पड़ेगा, चाहे वो ट्विटर कैंपेन के माध्यम से या फिर मैदान में जंग लड़के। तो आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की जो निकल के सामने आ रही है कि पहले से ही मिल गई थी पेपर लीक की सूचना। जी हां, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को पेपर लीक की सूचना संबंधी जांच एजेंसियों ने पहले ही दी थी। लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त के सामने निकल के सामने आ रही है कि आप देख सकते हैं ऐसी चर्चा है कि जांच एजेंसी ने आयोग को परीक्षा के एक दिन पूर्व ही पेपर लीक होने की सूचना देकर परीक्षा रोकने को कहा था, लेकिन आयोग ने सभी व्यवस्था पूरे होने का हवाला देकर इसको पेपर होने दिया। तो अगर ऐसा है, अगर ये वाकई में इसमें कोई 1% का भी तथ्य है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के सचिव जी से कि सामने आकर इस बात को रखें कि आखिर अगर उन्हें इसके बारे में पहले से सूचना थी तो इतने लाखों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किस आधार पर किया गया। तो यहां पर आप देख सकते हैं इस संबंध में जो है अब SIT के अधिकारी कुछ खुलकर बोल रहे हैं, ना ही आयोग खुलकर बोल रहा है। वहीं SIT के नेतृत्व कर रही हरिद्वार की SP ने कहा कि यह जरूर है कि पेपर लीक मामले में जो आरोप लगे हैं और जो चर्चा चल रही है उन सभी पहलुओं की जांच हो रही है। SIT जल्द ही आयोग के अधिकारियों व कर्मचारियों से इस संबंध में बात करेगी। अगर ऐसा है तो फिर कहीं ना कहीं इसमें आयोग सबसे बड़ा दोषी साबित होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सूत्र बता रहे हैं कि SIT ने जांच के दायरे में आने वाले आयोग के अधिकारियों व कर्मचारियों की भी यहाँ पर लिस्ट यहाँ पर तैयार की है कि कौन आयोग में आ रहा है, कौन आयोग में नहीं जा रहा है। जैसे कि कुछ दिन पहले खबर आई थी कि ऋतु चतुर्वेदी, जो कि संजीव चतुर्वेदी जो मुख्य आरोपी हैं इस पेपर कांड के, उनकी वाइफ लगातार उनका आना जाना आयोग में लगा रहता था। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से ये सारी चीज़ें बाहर निकल के सामने आ रही हैं। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आयोग की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो सामने आकर इस बात को रखे। बाकी इस खबर पर आपकी क्या राय है मुझे कॉमेंट सेशन में बताएं जरूर। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।